हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स ई ज्ञान में आपका बेहद स्वागत है। मैं हूं श्रेष्ठ गुप्ता और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं नोकिया के सबसे बजट स्मार्टफोन नोकिया 3 का। सो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए मैंने इस बॉक्स को अनबॉक्स करके रख दिया है। इसके सारे कंटेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं। इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि इसके स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं और इसके क्या क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं, जिसमें आप डिसाइड कर पाएंगे कि इस पर्टिकुलर बजट पे आपके लिए ये फ़ोन सूटेबल होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास एक प्रोडक्ट इन सेफ्टी इन्फो का एक आपके पास गाइड है। सिम इंसर्शन एंड रिमूवल टूल आपके पास अवेलेबल है। लाइट वेट का आपके पास ईयरफोन इसमें मिलता है। एक नॉर्मल सा यूएसबी केबल आपको मिलता है और एक चार्जर आपको मिलता है। साथ ही अब मेन चीज़ यहाँ पे है जो है ये फ़ोन। तो फ़ोन दोस्तों, इसमें ये फ़ोन बना हुआ है पॉली कार्बोनेट मटीरियल का। तो फ़ोन के आप साइड्स में देख सकते हैं, एक यूनिक डिज़ाइन बनाया है नोकिया ने। साइड में आपको सर्कुलर एजेस मिलेंगे, ना कि शार्प। इस साइड पे आपको मिल जाएगा वॉल्यूम रॉकर की एंड पावर बटन की साइड पे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिम इंसर्ट करने के लिए जो ट्रे है वो, और यहाँ पे आपको माइक्रो एसडी कार्ड के लिए इंसर्शन के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपके पास स्पीकर है और यूएसबी का स्लॉट है। यहाँ पे आपके पास 3.5 mm का जैक अवेलेबल है दोस्तों। ये एल्युमिनियम फ्रेम भी इसमें दी गई है। तो ओवरऑल जो इसका डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा है नोकिया का। ये फ़ोन जनरली दो वेरिएंट में आता है, आपका डुअल सिम भी है, सिंगल सिम भी है। तो ये मेरे पास जो है वेरिएंट वो सिंगल सिम डुअल सिम का है, सॉरी। और यहाँ पे आपके पास जो इसकी कलर वेराइटीज़ हैं वो है मैट ब्लैक, कॉपर वाइट, सिल्वर वाइट और टेम्पर्ड ब्लू में। तो चार वेराइटी ऑफ कलर आपको इसमें मिल सकते हैं मार्केट में। और इसके बाद बात किया जाए दोस्तों इसके डिस्प्ले की, तो 5 inch का IPS LCD डिस्प्ले है जो कि स्कल्प्टेड पोलराइजर टेक्नोलॉजी का बना हुआ है। डैट मीन्स कि ब्राइट सनलाइट में भी इस डिस्प्ले के कंटेंट आपको काफ़ी अच्छे दिखाई देंगे। रेजोल्यूशन की बात करें तो इसमें 720x1280 का रेजोल्यूशन मिलता है, 294 PPI का। तो देखिए इसका डिस्प्ले जो है काफ़ी ब्राइट है। उसके डिस्प्ले को मैं एक काम करता हूँ कि इस डिस्प्ले को फुल कर लेता हूँ यहाँ पे। तो फुल पे आपको देख सकते हैं इसके डिस्प्ले को। प्रोटेक्शन में इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास लगा हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें लेटेस्ट मिलता है आपको एंड्रॉयड नॉगट सेवन का। चिपसेट की बात करें दोस्तों तो चिपसेट इसमें आपको अवेलेबल होती है मीडिया टेक की MT6737 की, क्वाड कोर प्रोसेसर जो कि क्लॉक्ड है 1.3 GHz पे। जो GPU इसमें मिलती है वो है माली T720MP1 की। तो इस हार्डवेयर और डिस्प्ले के अकॉर्डिंग जो है ये GPU ये सूटेबल जो लगा नोकिया को, उसने ये सारी चीज़ें इसमें रखी हैं स्पेसिफिकेशन में। अब बात करते हैं थोड़ी सी मेमोरी के बारे में। तो यहाँ पे 2 GB का रैम आपको मिलता है दोस्तों और 16 GB की इंटरनल मिलती है। तो ये जो है इंटरनल मेमोरी का पार्ट, ये थोड़ा कम हो गया है क्योंकि अभी के लेटेस्ट फ़ोन्स में, मीन्स इस बजट के फ़ोन में, अदर फ़ोन्स में आपको एटलीस्ट 32 GB या थोड़े से और बजट पे आपको 64 GB मेमोरी मिल जाती है। अब आगे दोस्तों बात करते हैं हम कि इसमें जो है कैमरा क्वालिटी कैसा है। तो कैमरे को मैं ऑन करता हूँ यहाँ पर। स्पेसिफिकेशन बता दोस्तों आपको, यहाँ पे 8 MP का कैमरा फ्रंट में और रियर में भी 8 MP ही मिलता है। तो 8 MP की क्वालिटी के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग ये जो है इसकी कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है बाकी फ़ोन्स के मुकाबले। अब देखिए इसकी फोकस आपको मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो काफ़ी अच्छा इसमें ऑटो फोकस आपको मिलेगा और टैप करने पर अब फोकस हो रहा है। ऑटो फोकस का भी इसमें मतलब फंक्शन इनेबल्ड है, तो ऑटो फोकस भी इसमें काफ़ी अच्छा है। ये देखिए ऑटो फोकस, इसका कैमरे का शटर स्पीड एक बार चेक कर लें हम। तो शटर स्पीड से आपको
एक नॉर्मल शटर स्पीड इसमें अवेलेबल है जो कि नॉर्मल यूज़र्स के लिए काफ़ी अच्छी शटर स्पीड है। और यहाँ पे देखिए इमेज क्वालिटी को मैं थोड़ा जूम करके देखता हूँ तो काफ़ी अच्छी इमेज क्वालिटी इसमें आई है। दो तीन जूम के बाद जो है इमेज थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, बट नॉर्मल एक व्यू के लिए इसमें इमेजेस काफ़ी अच्छे आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों बात हो गई इस कैमरे की, अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं इंटरनल और स्पेसिफिकेशन। जैसे इसमें नेटवर्क आपको मिलता है 4G का, वॉइस ओवर LTE कैट 4 आपको मिलता है और लगभग सारे बैंड्स में अवेलेबल हैं। साथ ही आपको इसमें मिलता है सेंसर्स में एक्सेलरोमीटर, NFC भी इसमें है शेयरिंग के लिए, ऑन द गो केबल भी इसमें आपके पास OTG लगाने के लिए है, और ये जो USB 2.0 सपोर्ट करता है। अब जो मेन चीज़ है दोस्तों उसके बारे में बात की जाए कि इसकी बैटरी जो है 2630 mAh की बैटरी इसमें लगाई गई है। तो 2630 बैटरी जो है वो इस फ़ोन के अकॉर्डिंग तो काफ़ी सही है, और अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें जो है ये बैटरी इतने मीन्स अमाउंट की बैटरी अराउंड 2 days में चलनी चाहिए। पर यही इसका कॉन्स है दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं इस फ़ोन के कि इसमें जो है परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी, हैंग की प्रॉब्लम इस फ़ोन पे आपको नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ जो कैमरा इसमें जो दिया हुआ है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और कॉन्स की बात की जाए दोस्तों तो इसमें बैटरी जो है वो थोड़ा जल्दी ड्रेन होता है, तो आपको 1 day हार्डली मिल पाएगा या तो 1.5 day मैक्सिमम अगर आप ज़्यादा यूजेज में नहीं है तो। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो कॉलिंग आप करते हो तो कॉलिंग लॉन्ग कॉलिंग में इसमें हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो इन प्रोज एंड कॉन्स को आप ध्यान में रखते हुए आप इस फ़ोन के बारे में डिसाइड कर सकते हैं कि इस बजट फ़ोन में ये आपके लिए सुटेबल है कि नहीं। तो यहाँ तक ये वीडियो था नॉर्मल स्पेसिफिकेशन के बारे में। आगे के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए तो रेडी रहें। मैं कुछ और फ़ोन्स के भी इसमें अपडेट्स आपको बताऊंगा। थैंक यू।